अपने सो मान में रखें। आज हम आपके लिए झटपट से बन जाने वाली आलू मेथी की सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाने में हम ना तो मसाला भूनेंगे और ना ही हमारा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ हमने इसको किस तरह बनाना है और क्या क्या मसाले हमने लेने हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस बर्तन में बनानी है मेथी आलू की रेसिपी वो मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। हम इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। ये मैंने 6 से 7 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार बनती है सब्जियाँ। आप जो भी बनाना चाहें इसमें बनाएं और हेल्दी भी होती है। अब इसके बाद जो है हम इसमें चॉप लहसुन शामिल करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। ये मैंने 5 से 6 जो है लहसुन लिए थे, इनको मैंने बारीक सा कश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा हम इसमें जो है फ्राई करेंगे, समझे, कुछ सेकंड के लिए, जैसे अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें 4 लाल साबुत मिर्चें शामिल कर रही हूँ और साथ ही 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरे का शामिल करूँगी। अब हमने इसको लहसुन के साथ थोड़ी देर तक जो है पकाना है कि हमारा जो है जीरा ये भी कड़कड़ाना शुरू हो जाए। बस हमने लहसुन को इतना नहीं पकाना है कि लहसुन हमारा जल जाए। तो इसमें आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी मसाले उनको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम देर तक मसाले भूनें और हमारी सब्ज़ी भी बहुत ही शानदार बन जाएगी। अब मैं इसमें मेथी शामिल कर दूँगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू। आलू मैंने 1.5 पाव लिए हैं और मेथी मेरे पास 3 पाव है। तो हम इसमें आलू को भी मैंने धो के रख लिया था और मेथी को भी अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी मट्टी वगैरह होती है वो सही से निकल जाए इसमें से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये टमाटर मैंने 3 लिए हैं, जो कि मेरे पास छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास थोड़े बड़े या दरमियाने हो तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सब्ज़ी की क्वान्टिटी में। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है लाल कुटी मिर्च की डालूँगी और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो आप देख लें बिल्कुल भी हमने इसमें मसालों को देर तक नहीं भूना है। और देखें, आप देखिए कितनी अच्छी फ्रेश ही हमारी सब्ज़ी लगेगी। तो ये देखें मेथी में से खुद ही जो है, ये देख सकते हैं आप, अच्छा वाला पानी जो है निकलना शुरू हो गया है। सब्ज़ियाँ खुद ही पानी रिलीज़ करती हैं और उसमें गल जाती हैं। तो इसमें हम इसमें पानी भी शामिल नहीं करेंगे। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं लाल पिसी हुई मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें। तो चलें अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ 15 मिनट के लिए। इसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारी मेथी भी। देखिए ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन पूरे, और कितनी बेहतरीन से बिल्कुल आपके सामने ही है हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और इसमें जो भी मेथी में से पानी निकला था तमाम ड्राई हो गया है। आलूओं को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू भी हमारे गल गए और कितनी प्यारी कलरफुल सी और फ्रेश सी हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चलिए अब हम मेथी आलू की सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़ेदार खुशबूदार किस्म की ये सब्ज़ी बनने आई है। आप एक बार तो बनाएंगे, आपका दोबारा ऐसी रेसिपी से बनाकर खाने का दिल चाहेगा। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी बनाएं और बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।